अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं बहुत सिंपल सी सैलेड प्लेट डेकोरेट करना सिखाऊंगी आपको। तो इसे आप जब भी अपने डाइनिंग पे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी। तो देखते हैं ये फ्लावर की शेप में किस तरीके से हमने तैयार करी है। तो सैलेड प्लेट बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम वाइट प्लेट का इस्तेमाल करें। साइटों में मैंने ग्रीन लीव्स यूज़ करी हैं, ये मूली के पत्ते हैं, तो मूली के साथ अक्सर ही मिलते हैं, तो इन्हें फेंके ना और इसे प्लेट के साइड में लगा दें। अब मुझे ग्रास की ज़रूरत है, मैंने ग्रास बनाई है गाजर से। गाजर की स्ट्रिप्स कट कर लिया और ये ग्रास की शेप में मैं चारों तरफ फैला दूँगी। अब मूली लगाएंगे हम। मूली को हल्का सा स्लाइड करके कट करा है तो ये शेप आई है। शक्कर में सारी मूली लग चुकी है। अब मैंने इसमें लगाना है टमाटर। ये इतना अच्छा फ्लावर लगता है देखने में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेंटर में मैंने रख दिया है इसमें अनियन। आप अनियन, मैंने इसमें छले अनियन डाली है, आप कैसे भी सिंपल प्लेन भी कट कर कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक छोटा सा रोज़ बनाऊंगी। ये मैंने लिया है गाजर का ऊपर का छिक्कर जो मैंने कद्दूकश किया था तो फिर उसमें से निकाल लिया था। यहाँ टूथपिक की मदद से एक इसको अटैच कर देंगे ताकि हमारा ये रोज़ खुले ना, और बस ये इसे सेंटर में रख देंगे। देखिए तैयार है हमारी सैलेड प्लेट। आप इतनी सिंपल वे में बहुत झटपट तैयार कर सकते हैं इसे। बस डेकोरेट की बात होती है और कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नया नहीं है, बट ये बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए, बेगम किचन के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।